हाय गाइज, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे आप, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई मैं भी बढ़िया, जिसका सभी को वेट था। बहुत सारे डीएम आ रहे थे किसी यूट्यूबर ने, भाई स्लाविया 1.5 वर्सेस वरना 1.5 टर्बो की थी और उसमें भाई मेरे को रिजल्ट सही नहीं लगा और काफ़ी लोगों को जो है रिजल्ट सही नहीं लगा, तो बहुत सारे डीएम आ रहे थे। तो और वीडियो जो है ये जो अभी शूट करने जा रहे हैं, वरना 1.5 टर्बो वर्सेस वर्टस 1.5 जीटी जो आती है अपनी डीएसजी के साथ, दोनों ऑटोमेटिक है, डीसीटी वर्सेस डीएसजी। तो ये वीडियो थी भी नहीं, तो फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है, तो इसी बात पे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट में गेस करो कि कौन सी गाड़ी जीतेगी। बहुत ज़्यादा टेंशन है पूरी रात से भाई, वरना वाले भाई को भी बहुत टेंशन है, मेरे को भी बहुत टेंशन है और वर्टस ओनर्स को भी बहुत टेंशन है कि कौन सी जीतेगी। क्योंकि भाई वरना में अब जो हुंडई ने इंजन दिया है ना, वो बहुत ज़्यादा पावर के साथ दिया है, 160 हॉर्स पावर 1.5 टर्बो TGDI इंजन जो है ये 160 हॉर्स पावर निकाल रहा है 260 Nm टॉर्क के साथ और DCT ट्रांसमिशन इसमें आता है, डुअल क्लच। वहीं बात कर लूँ वर्टस GT की, तो 1.5 टर्बो इंजन है ये भी, TSI ये निकालता है 150 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर कम निकालती है भाई अपनी वर्टस GT एंड 250 Nm टॉर्क, तो 10 Nm टॉर्क भी कम है और 10 Nm BHP भी कम है। और DSG है, DK 200, दोनों में लैग आने वाला है इनिशियल में। लुक्स में है जो दिखा देता हूँ, बाकी आप कमेंट करो कि लुक्स किसकी बेटर लग रही है आपको। बाकी अपनी रैप हो रखी है तो थोड़ी लुक एनहेंस भी हो रखी है। ये देखो भाई सामने से दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी लग रही है, बाकी टेंशन तो ये है कि ड्रैग कौन सी जीतेगी। तो भाई पता नहीं फेक रेस क्यों करी है उन्होंने, जिन्होंने भी करी है अच्छी बात नहीं है यार, एक कंपनी के लिए बायस होना, फेयर करो हर चीज़। तो एक बार भाइयों से पूछते कि कौन सी गाड़ी जीतेगी, तो भाई हैं वरना 1.5 टर्बो के ओनर, मेरी और भाई की सबसे ज़्यादा मतलब वो हो रखा है, टेंशन हो रखी है, लुप हो रखी है। तो भाई क्या लग रहा है यार, मेरी जीतेगी, मैं तो यही बोलूँगा। वर्टस ओनर निखिल भाई, GT ओनर नहीं तो देखो वर्टस चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि वरना ले जाएगी। वर्टस ओनर यज्ञ है, वर्टस ओनर यज्ञ ये कहेगा कि वर्टस जीतेगी, वर्टस भाई वर्टस जीतेगी। लग तो जी जर्मन रहा है। मैं रबी अनोवा, इनका कुछ नहीं पता, NCD में डालने की देरी है, पर बात वही है, मैं लाइट आ गई पूरी रात, ये सारे चोर की लगी ना, आज तो जीतेगी, हम पूरी रात वही मैं और प्रथम हर आधे घंटे में मेरी अपनी जीतेगी ना ना भाई, वो 160 भी हाँ भाई, पूरी रात से सोया नहीं हूँ मैं, हम आपस में रील यही बात कर रहे थे हम आपस में, और मैंने स्टोरी भी डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, वर्टस GT ओनर्स ने सबने डाल रखी है। तो करें भाई फिर अपना पहला राउंड स्टार्ट और देखते हैं, अगर भाई अपनी हारती है तो हम लॉन्च करना शुरू कर देंगे भाई, ठीक है ब्रो, लॉन्च करेंगे फिर हम। मेरी तो लॉन्च होती नहीं, देखो आपकी नहीं होती, सही होती ना, कर देंगे। तो भाई जनता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई, मज़ा आ जाएगा, चलो ड्रैग देखो अब आप। सो गाइस मैं और अलावत भाई आ गए हैं हम अपनी वर्टस GT में, और भाई AC ऑफ है हमारा, स्पोर्ट्स डिस्प्ले ऑन कर दिया आप लोगों के लिए ताकि अच्छे से आपको स्पीड वगैरह दिख जाए, ट्रैक्शन ऑफ, ड्राइव मोड में हम चलेंगे, स्पोर्ट्स मोड नहीं लगा रहे हैं भाई अभी, और उसमें लगा देंगे भाई कम्फर्ट मोड, क्योंकि अभी ये स्पोर्ट्स में नहीं है। कंफर्ट और ट्रैक्शन ऑफ, हल्की सी आगे ले, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल बराबर करा दो, बिल्कुल बराबर है, ट्रैक्शन ऑफ है उसका, AC ऑफ है, तो मतलब सेम सेटिंग से, कोई एडवांटेज नहीं है किसी गाड़ी को। सो गाइस राउंड वन करने जा रहे हैं अपना, रेडी 2-1। इनिशियल में तो भाई अपनी निकल गई है, ये वरना रही, वरना पीछे है भाई काफी, अभी तक तो 90 की स्पीड है, और अभी वरना जो है 120 पे आने लग रही है, 20 पे जो है क्रॉस करने लग रही है, खींचेंगे 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 भाई, वर्टस ज्यादा गैप बना पा नहीं रही है वैसे ये, वरना ना 160-170 भाई, कितनी पे निकली है ये, 165 पे निकली है, वर्टस आगे जाने लगी भाई, ड्रैग जीत गई है 165 पे निकली है, और जो आपने पहले स्लाविया 1.5 की ड्रैग देखी थी उसमें आपने देखा होगा, वरना इनिशियल से ही निकल रही थी भाई, वो ड्रैग रेस फेक है, अब साबित हो गया भाई, ऐसे मत बनाया करो, बेशक बड़े यूट्यूबर हो गए, रिस्पेक्ट आपको देते हैं पूरी, बट प्लीज, क्योंकि हमारे पास फिर ऐसे हेट आने लग जाती है आप अगर एक कार को जबरदस्ती हरा देते हो, क्योंकि सेम इंजन है स्लाविया 1.5 में, TSI सेम दोनों में आता है, वर्टस में ट्रांसमिशन सेम है, तो कोई ऑफेंस नहीं है, बट ऐसे मत करा करो, बहुत सारे DM आने लगते हैं, हमें गाली गलौज होने लग जाती है, ले भाई तेरी तो वर्टस की हवा करता है बहुत, और हार रही है, स्लाविया हार रही है तो वर्टस भी हारेगी, बट ड्रैग अपनी जीत गई है।
और वैसे हमने 400 मीटर ये जो है नाप रखा हो यहाँ तक आता 160 में तो हो ही जाता है यार। बाकी पोटेंशियल भी चेक करेंगे, भाई ने ब्रेक मार ली, मैं पूरा खींचने को रेडी था, मेरे को लग रहा था फिर जाएगी अपनी वर्टस, तो ये सीन है भाई। भाई 165 पे निकली है वरना, भाई ने फिर ब्रेक मार लिए थे, मेरे को नहीं पता इलावत बता रहा 165 पे निकली, बाकी मैं वीडियो में देखना पड़ेगा। 140 पे निकली और फिर 165 पे हमारे फिर कोशिश कर रही थी आगे जाने की, तो ड्रैग 140 के हिसाब से 400 मीटर हो गए होंगे, जीत गई है, बाकी पोटेंशियल चेक करना है। अच्छा गैप बताओ ना, गैप गैप एक गाड़ी का आधी गाड़ी का कह सकते हैं, यानी लॉन्च के बाद एनी डे वर्टस, मतलब खिड़की भाई अभी भी ये नहीं कह सकते कि वो निकलेगी, अभी निकल सकती है वर्टस, पकड़ रही थी भाई। ब्रेक मत लेना अब, नेक्स्ट टाइम पूरा खींच के देखेंगे, पूरी खींच के देखेंगे, पूरा खाली है रोड। सॉरी गाइस 165 पे नहीं, 131 या 135 पे गाड़ी जो है वरना निकली है आगे, और उसमें भी 400 मीटर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप और भी मेरी ड्रैग रेस देख सकते हो जिसमें हमने 400 मीटर नाप की करी है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो फालतू के जो हेटर्स है वो कमेंट ना करें। अब क्या रख रहा है भाई, 131 पे क्रॉस करा है उसने, देख लिया। हाँ, पर 400 मीटर जब भी हो जाते हैं। सो गाइस सेकंड राउंड में जो हमने भाई डिसीजन लिया है कि हम क्या रखेंगे, वो रखेंगे भाई, हम लॉन्च कर रहे हैं एन से सीधा एस में मारेंगे देके इसको, और एम में डाल देंगे फिर, देखते हैं इसमें क्या रहता है। बाकी पहले राउंड की विनर ड्रैग में मैं अपनी वर्टस को बोलूंगा, बाद में वो निकल गई थी उसको बाद में विनर बोलूंगा मैं कि मिड अच्छा था उसका, बट अगर खींचे जाएंगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है वर्टस निकल जाएगी। भाई ने ब्रेक गलत लिए, हमें और आगे तक खींचनी चाहिए थी, बाकी ट्राई करेंगे पूरी खींचने की भी, और वरना को भी भाई हमने स्पोर्ट्स मोड में डलवा दिया, ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ, तो सेम सेटिंग सर, नो एडवांटेजेस। रेडी 3 2 1 ओ ये भाई पीछे रह गई थी वो, शायद उनका लॉन्च रह गया या पता नहीं क्या रहा, दोबारा से करते हैं। सो गाइस वरना में लैग आ गया था तो इसलिए भाई ने चलाई नहीं, इसलिए दोबारा से कर रहे हैं सेकंड राउंड। तो उसका अब जो ट्रांसमिशन है वो मैनुअल में ऐसे रखेंगे भाई, हम बाद में कर देंगे, पहले लॉन्च करेंगे। तो चलो जी रेडी है, 2 1 अपनी, अब ये M2 पे आ चुकी है भाई, और फिलहाल जो है वरना आ रही है और इस बार भाई जल्दी क्रॉस कर गई, वरना जल्दी क्रॉस कर गई। हां 131 पे करी थी, 135 पे करी थी पहले, अब बाद में कर गई। ये गाड़ी का ही गैप है भाई, ये गाड़ी का गैप है, और अभी 180 भाई पकड़ती यार। एक बार हमें चलानी पड़ेगी, भाई को बोलना पड़ेगा ड्राइवर चेंज कर ले। हाँ भाई पोटेंशियल में जाएगी, मेरे को फील आ रही है जाएगी। दिल्ली मुंबई पे चलते हैं। चलो भाई ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे क्रॉस करा है। अच्छा हाँ, बट भाई ब्रेक मार ले रहे हैं 170 के आसपास, मेरे को लग रहा है कि जाएगी। तू वरना चला, बल्कि वरना नहीं, मेरे को वर्टस चलानी है। ले चला ले फिर, आ जा भाई। आपने किस स्पीड पे क्रॉस करा था हमारी में उस टाइम? 130-131 थी हमारी, 130-131 थी, मतलब 0-100 पे वर्टस हमेशा आ गए, 0-100 पे वर्टस आ गए। सो गाइस अभी जो राउंड देखोगे आप वो मैं करूंगा बाहर से शूट, मैं आगे जा रहा हूं और बाहर से दिखाता हूं आपको, यज्ञ चला रहा है और वर्टस में भाई दोनों हैवी हैवी बंदे बैठ गए हैं। भाई क्या क्या वेट है तुम्हारा, मैं सारी चीज बताऊंगा इसमें। 115 किलो, 115 कितने हो गए, 230 और भाई वहाँ देख लो पतले पतले बंदे बैठे हुए हैं, ये देख लो। और एक चीज़ और बता दूं, वरना में जो वेट है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो 200 केजी लाइटर है वरना, वो 1350 है, शायद 1150 के आसपास है, तो वेट का एडवांटेज वैसे भी है उसे, और अभी भी हो गया क्योंकि वो भाई हैवी हैवी बंदे बैठे हैं अपनी गाड़ी में। बाकी बाहर से दिखाता हूँ मैं गाइस, एग्जैक्ट 400 मीटर पे मैं जा रहा हूँ भाई, इस बोर्ड पे हमने नाप नूप के कर रखा है, तो यहाँ पे होएगा एक, अगर आगे से शुरू करते हैं हम ड्रैग तो वो जो पीला बोर्ड सा दिख रहा है ना आपको, ये हाँ मेरी उंगली के सामने, ये यहाँ पे होते हैं 400 मीटर, तो अभी थोड़ा पीछे से कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे 400 मीटर ख़त्म होते हैं, तो मैं यहाँ आ गया, अभी पता चल जाएगा साफ साफ 400 मीटर में कौन आ गया है। बाकी जाहिर है भाई, वरना बाद में देखो हम दिखाएंगे फेयर रिजल्ट, जो उनके चैनल पे हुआ उनकी तरह नहीं दिखाएंगे कि इनिशियल से ही जो है आपकी वरना जा रही थी, ऐसा नहीं है। सेम इंजन है स्लाविया में, वर्टस जा रही है भाई 0-100 में फास्ट, 0-130 बल्कि मैं बोलूँगा, 0-100 नहीं, तो ये सीन है, बाद में निकलती है। बट मेरे को डाउट है, मैं एक बार चला के देखना चाहता हूँ बिल्कुल पोटेंशियल तक कि कौन सी गाड़ी जीतेगी। सो गाइस रेस शुरू हो चुकी है, अभी जहाँ तक है वर्टस आगे दिख रही है,
ये देखो भाई वर्टस आ गया भाई। तो गाइस अब लास्ट रेस हो रही है देखो जी। हाँ बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ले गई भाई वर्टस, ले गई तो अब आ रही है भाई। 134 मीटर 42 44 45 पे निकली है भाई। 150 पे निकली है, एग्जैक्ट 150 पे क्रॉस किया गाड़ी ने। फेयर रेस, वरना जीत रही है तो दिखा रहे हैं, वर्टस जीत रही है तो दिखा रहे हैं। बाकी मन में है एक बार पोटेंशियल चेक करने का पूरा, क्योंकि ऐसा लगता है कि 180 पे शायद जाएगी वर्टस, पकड़ लेगी। क्योंकि VW का जो मिड है ना भाई, मिड और टॉप एंड है, बहुत खतरनाक है। कितने पे निकली? 155 पे निकल जाती है। 155 पे निकली इस बार, क्या कर दिया यज्ञ है। कुछ नहीं करा भाई, वैसी जैसे तू चला रहा तो वैसे ही चलाइए। एंडिंग पॉइंट ये था ना थार। हाँ थार नहीं, ये बोल्ड तुम्हारी 155 पे निकली है गाड़ी, हमारे कैमरे में नोटेड है। 155 पे निकली भाई, वो क्लिप ब्रो, यू वर ऑन 45 बट वी वर ऑन 55 व्हेन यू क्रॉस जस्ट किया था, तब 150 प्लस हो चुकी थी स्पीड ब्रो। 55 मेरी नजर ही मीटर पे थी, मैंने कैमरा ही नहीं पकड़ रखा था। एक बार भाई मैं वरना चलाऊं। सो गाइस इस बार तो और लंबी खींची यज्ञ ने, क्योंकि साइड पलट दी थी गाड़ी की। एक तो इसने लॉन्च करी है तो वो और बेटर लॉन्च हो गया। जहां पे थोड़ी सी मिट्टी होती है ना, वहां लॉन्च मिट्टी नहीं कहूंगा, थोड़ी सी रोड़ियां होती है इस साइड में, तो यहां थोड़ा लॉन्च बेटर होता है। तो यहां लॉन्च बेटर हुआ और गाड़ी 155 तक आगे बता रहे हैं। वो क्लिप आपने देख ली होगी, वो मैं ऐड कर दूंगा। बाकी अब हम खींचेंगे फुल पोटेंशियल के साथ, चलेंगे भाई गाड़ी को लेके। अब ये लॉन्च नहीं होती है तो इसलिए हम इसको राइट में खड़ी कर रहे हैं, उसको तो लॉन्च हम कर सकते हैं भाई। फिर से लॉन्च यहाँ पे, इस साइड तू रख रहा है तो अच्छे से लॉन्च हो रही होगी है ना, क्योंकि थोड़ी सी रोड़ियां हैं। बता दिया मैंने, क्योंकि इस साइड है ना उछलती है लॉन्च करते टाइम, ईसीयू रीड कर लेती है ना गाड़ी, तो अब अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रही है। हाँ ईसीयू अडैप्ट करती है ड्राइविंग के हिसाब से। हाँ इंग्लिश, फुल इंग्लिश, फुल इंग्लिश। यज्ञ फ्रॉम कनाडा, कनाडा कनाडा, आई एम वेरी हैप्पी भाई। वो तो क्या कहते हैं वो वाले यूट्यूबर, तो स्लाविया को इनिशियल से ही हरवा रहे हैं। भाई गलत बात है, हमें फालतू की गालियां पड़ती हैं भाई। हाँ हमने पैसे नहीं खाए भाई, हमने पैसे नहीं दिए, हमें पैसे नहीं देती हुंडई, हमारी तो गाड़ी घेर देती है सीधी। ये बढ़िया था गुरु, हमारी गाड़ी घेरती है, हमारा तो नुकसान करती है हुंडई भाई, बहुत हेट। बट फिर भी हम हुंडई को जिताते दिखाते जीतती है। तो चलो जी, चलो चलो, दुख में रही है। चलो करो भाई शीशा ऊपर, 1 2 3 कर देगा अलावत, ठीक है कर दे, कर दे ब्रो। पार्टी पार्टी पार्टी, 3 2 1 150 पे निकली है अभी, एंड तक खींचेंगे और हम वर्टस पीछे भाई। देखो वरना जीत रही है, यहाँ तो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई भाई ब्रेक मार लिए थे क्या? 50 प्लस पे क्रॉस कर रही है। ब्रेक क्यों मार लिए भाई? आंटी आ गई थी ना अपनी के थोड़े कम भी हैं ब्रेक भाई, एक लंबी खींच के देखनी है मेरे को। हाथ जोड़े देख, दो पोटेंशियल जा रही है वो, मान ले नहीं जाएगी 180 पे निकलेगी। 80 कहां भगाएगा यहां रात को भाई, खींच ले यार यहां से प्लीज। कम करने लग रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं अब हम? रोलिंग। यस, घबरा क्यों गए आप? अरे मैं पता नहीं सदगिरे। चलो 20 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे जो है रोलिंग रेस हो रही है। सेम सब कुछ रखेंगे हम, डी पे स्पोर्ट्स मोड पे, पेडल शिफ्टर जो है प्रथम ने ऑन कर लिए है। यस यू कैन डू इट। मैं बंदा छोड़ दिया क्या? किन्ने? ना ना नहीं भाई, तो आई ना फिर इस गाड़ी का। आइए वो 160 bhp यहां दिख रहे पर है, कह रहा था मैं पोटेंशियल है उसका भाई। ये कैसे पोटेंशियल है भाई उसका? भाई ये क्या हो रहा है, स्ट्रगल कर रही है अब यहाँ गाड़ी भाई, तो स्लो होगी भाई। देख लो पोटेंशियल भाई, 185 186 क्लोज था, अच्छा परफॉर्म करा वरना ने, बट वर्टस पोटेंशियल में जाएगी एक बार के लिए जाएगी ये। हाँ
130 से 150 के बीच में आप कोई भी स्पीड मान सकते हो, उसके बीच में जाती है। स्लो नहीं कह सकते भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका वो, बट इसका ज्यादा उससे स्ट्रॉन्ग है वो, बीच में 130 के बाद ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। और अब तो ये बहम भी दूर कर दिया है भाई, देखो पोटेंशियल भी दिखा दिया मैंने, कहा था तो ये बोले भाई ड्रैग नहीं तू रोलिंग कर ले, जब हम रोलिंग रेस, क्योंकि रोलिंग में है ना ज्यादा लंबा ट्रैक नहीं चाहिए आपको, अब ड्रैग में तो आइए भाई तुम यूं कहोगे कैसे नाच रहे हो रहे हैं, पर भाई ये रात भर की टेंशन थी, रात भर की पस, इसके तो पसीने छूटने 185 तक हमने करा, मैं रो पड़ूंगा मैं, इतनी हेट मिली थी भाई उस वीडियो के बाद, हाँ हमारी ना नाक में दम दे दिया था इतने मैसेज दोबारा डांस कर बल्ले बल्ले सावा सावा हो गई, प्रथम सही कह रहा था, पोटेंशियल वर्टस गई भाई। भाई पता क्या रोलिंग में है ना जल्दी छोटे ट्रैक में पता चल जाता है पोटेंशियल, ड्रैग में बहुत लंबा चाहिए। भाई मेरी गई है 195 10 की स्पीड का फर्क रहा, जापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल कर लेंगे। यानी कि फॉक्सवैगन 150 इज इनफ फॉर ह्यूंडई 160 है भाई, कह सकते हैं बट वन, अब हम बायस्ड नहीं होंगे, गाड़ी ये जाती है 130 से 150 की स्पीड में, अगर ड्रैग करते हैं तो वर्टस स्ट्रगल करती है इसको पकड़ने, बट वो करेगी 180 190 पे इसको पकड़ेगी। हाँ, तो अगर रोलिंग करते हैं क्रॉस कर लिया था भाई, वीडियो में पता चल जाएगा जनता को, बट वही है अगर पोटेंशियल उसमें रोलिंग में करते हैं तो पोटेंशियल में पता चल जाता है जल्दी। रोलिंग में क्या रहा, रोलिंग में ये निकल गई, ये 185 गई वो 195 गई। अच्छा हाँ, मतलब आधी गाड़ी या एक गाड़ी का गैप होगा मुश्किल से, 195 चली गई। हाँ पर इसमें पोटेंशियल लग रही थी 185 के बाद भी भाई, ब्रेक लेने पड़ गए वो, लुब होने लग गई तो बोला मेरी में ब्रेक भी बहुत कम है ना, तो ये ड्रैग के लिए पोटेंशियल मान नहीं रहे थे, अब रोलिंग में तो छोटे उसमें हो जाती है। बट गाइस सच्ची में एक वर्टस को जो भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करा इस गाड़ी ने, कोई हेट नहीं है वरना के लिए, बट मजा आया जो भी है मजा आया भाई, कोई कोई भी हेट नहीं है फिर से कह रहा हूँ वरना के लिए, बट वही है इसलिए मैं बोल रहा था कि क्यों यूट्यूबर्स को बोल रहा हूँ मैं, तो ये मैंने पहली गाड़ी देखी जिसने वर्टस को रुलाया भाई, अब नहीं आई है ना, हुंडई को निकालना पड़ा है भाई, पहले तो 1 लीटर दे रहे थे टर्बो में, फिर भी वर्टस तो चलाने का मजा उसका यार, 200 चढ़ गई थी फिर ब्रेक ले भाई, आज तो बढ़िया चांसेस होंगे, आज सुबह सुबह रात भाई पूरी रात से नहीं सोए मैं और अलावा, ये तो सो गया था मस्ती से, सो रहा था पता था इसको, ये आज तो जीतेंगे, आज तो जीतेंगे। लेकिन भाई एक बात बताऊं, स्विफ्ट हरा देगी वरना पैसे नहीं खाए। तो भाई सुलक्ष भाई के इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी, भाई को जाके फॉलो कर लेना, भाई गाड़ी बहुत अच्छी है भाई, निखिल अरोड़ा भाई का चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों चीज स्क्रीन पे आ रही होंगी, जाके भाई को सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ कर लो, भाई व्लॉग बनाते बढ़िया बढ़िया, अभी भाई के मैंने व्लॉग भी देखे थे टाइगून में जब गए थे पहाड़ों में, देखते भाई ऐसी बात नहीं है यार, इसी बात पे कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बन जाओ वर्टस के लवर सब, और कमेंट कर दो वर्टस 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 वर्टस, और पहली बार करिए मेरे चैनल पे आ रही है, आपकी डिमांड हमने पूरी कर दी है, तो भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना बनता है, मैं पहले भी कह रहा था अभी भी कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, और ऐसे फेक यूट्यूबर्स को ना देखो जो ऐसे ट्रैक करते हैं, भाई सबको पता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, नाम लेना सही नहीं रहेगा, मैंने उनकी वीडियो पर कमेंट भी करा, हमें दिक्कत होती है, बाकी कोई नहीं छोड़ो इस बात को, हमने जो है रिजल्ट आपको फेयर करके दिखा दिए हैं, गाड़ी के सामने से लुक देख लो, मतलब कोई हेट नहीं है भाई, फिर बोल रहा हूँ वरना के लिए कोई हेट नहीं है, वर्टस पसंद है वरना भी पसंद है, बट जो सच्चाई है वो हमने दिखाई है, तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू गाइज़।